नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रौनक और मेरे साथ वो इंसान है इस वक्त जो बहुत देर से ये सोच रहा है कि आखिर उसने देखा क्या है। ओ इतना भी मत बोल भैया, मेरे को पता है मैंने क्या देखा है। एक मस्त फिल्म जो हमको 1960 में बनी हॉलीवुड फिल्म साइको की झलक दिखा देती, लेकिन अपने सब्जेक्ट और थीम को लेकर बड़ी ईमानदार भी रहती। क्या बात है, एकदम प्रोफेशनल हो गए बाबूआ भाई। अल्फ्रेड हिचकॉक तक की फिल्में देखने लगे भाई साहब। ऐसी फिल्में देखने वाले लोग ही हाउसफुल और दुर्गामती जैसी बलाओं से बचे रहते हैं, और खासकर सस्पेंस के तो हम लोग मास्टर लोग हैं। अब मतलब ओडल वाइवा में भी आखिरी मोमेंट तक हम लोग सस्पेंस बनाए रखते हैं कि जवाब दें या नहीं दें। खैर, फिल्म का नाम है नेल पॉलिश। और कौन से रंग की है ये? काले रंग की है, तेरे मुंह पे पोत देनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे से। चुप रे यार। अरे बउआ भड़क मत भाई, मैं तो छोटा सा सवाल पूछ रहा था। अरे सवाल को मारिए गोली भाई साहब। एक मिनट, मेरे हिसाब से तो गोली उनको भी मारनी चाहिए जो आजकल चॉकलेट मैगी और चाय के साथ पानी पूरी खाने का ट्रेंड चला रहे। भाई लोग सुधर जाओ, खाने में उंगली करना बंद कर दो, क्योंकि जिस दिन खाने ने उंगली करना शुरू किया ना, तो दूसरा कोरोना झेलने की हिम्मत नहीं होगी भाइयों। कोरोना की कहानी तो अब सबको पता है, लेकिन तुम इस फिल्म की कहानी बताओ बउआ। सब कहानी का क्या है, एकदम कड़क। मतलब इतना अच्छा तो कोहली कवर ड्राइव नहीं मारता जितनी अच्छी स्टोरी है। इतने प्रेम से तो आशिक लोग लाल किले की दीवारों पर महबूब का फोन नंबर नहीं लिखते जितने प्रेम से इसके राइटर ने इसकी कहानी लिखी। स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, सस्पेंस के साथ ही वो क्लाइमेक्स भी है जो शायद ही किसी ने सोचा होगा, और वही क्लाइमेक्स आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये फैसला सही लिया गया है या गलत। गलत में जो आपने नुक्ता लगाया ना बउआ भाई, दो तेरे मुंह पे भी लगा दूं नुक्ता, बात कर रहा है। सॉरी, इस फिल्म में कौन कौन है? यही सारे लोग जिनका स्क्रीन पे आपको फोटो दिख रहा है, यही सारे लोग हैं। अच्छा, नाम नहीं लोगे मतलब, स्टोरी क्या है यही बता दो भाई साहब। स्टोरी है नखलऊ की। भाई साहब लखनऊ होता है। अरे नखलऊ बोलने में जो फील है ना भाई साहब, वो लखनऊ बोलने में भी नहीं। अच्छा आगे बढ़ो। सॉरी, तो नखलऊ की है, जहाँ एक्स आर्मी ऑफिसर और अंडरकवर जासूस वीर सिंह यानी मानव कॉल रिटायर होने के बाद एक स्कूल के कोच हैं और बच्चों को क्रिकेट की कोचिंग देते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर में कई सारे माइग्रेंट बच्चों के कत्ल की खबरें आती रहती हैं। पुलिस इन्हीं को सुलझाने के लिए माथापच्ची कर रही होती है कि उसकी तलाश जाकर रुकती है वीर सिंह तक, और एक इज्जतदार आदमी पर ऐसे आरोप लगते देख किसी को भी यकीन नहीं होता। और वैसे भी बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि हर धोती पहनने वाला गांधी नहीं होता। ठीक वही कहानी यहाँ भी है। अपने ऊपर लगे इल्जामों को जानकर वीर सिंह वैसे ही शॉक्ड हो जाते हैं जैसे आजकल हम हर रोज पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के दाम देखकर शॉक्ड हो जाते हैं भाई साहब। वैसे मेरी मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि पेट्रोल के दाम घटा दीजिए प्लीज। टंकी खाली करने में पेट्रोल जल जाता है और टंकी भराने में हमारा खून जल जाता है भाई साहब। अरे आगे बताओ, पिक्चर के बारे में पेट्रोल की बात कर रहे हो। सॉरी, इसके बाद वीर को जेल ले जाया जाता है और वहाँ उनका केस लड़ने के लिए खुद अर्जुन रामपाल यानी सिद्धार्थ जयसिंह आते हैं, जो कि शहर के सबसे बड़े वकीलों में एक है। सिद्धार्थ के खिलाफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में खड़े हैं अमित कुमार, जो सिद्धार्थ से सहमे सहमे रहते हैं क्योंकि ये भाई साहब का पहला बड़ा केस होता है। फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और फर्स्ट हाफ आते आते सारे सबूत वीर सिंह के खिलाफ मिल जाते हैं, और सिद्धार्थ के सामने हमारे अमित कुमार उतने ही चौड़े हो जाते हैं जितना लॉकडाउन के टाइम खा खा कर तुम चौड़े हो गए हो बउआ। सॉरी, लेकिन फिर सेकेंड हाफ में कुछ ऐसा होता है जिससे फिल्म की कहानी पूरी पलट जाती है। और यहाँ मानो कॉल की एक्टिंग भाई साहब, मतलब इतनी जान तो सीमेंट में नहीं होती जितनी जान उन्होंने अपने कैरेक्टर को प्ले करते समय डाली। बाकी जज साहब का भी रोल कड़क निभाया भाई साहब कपूर जी ने, लेकिन सारी कहानी आकर अटक जाती है उस फैसले पर, डिसीजन पर जो कोर्ट में आने वाला है। इस बीच कोर्ट रूम की दलीलों और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को देखकर आप कहानी से धीरे धीरे जुड़ते चले जाते हैं, और यही इस फिल्म की ताकत है। क्या बात है, इस बार नुक्ता आपने भी लगाया भाई साहब, देख रहे हो सीख रहे हो हमसे। अरे आगे बढ़िए। सॉरी, फिल्म के प्लस पॉइंट पर नजर डालते हैं, मतलब फिल्म की कहानी, मतलब जिस तरीके से इस कहानी को सामने रखा गया है ना, ये कहानी हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब इंडस्ट्री में ऐसी राइटर्स हैं जो ऐसा लिख सकते हैं, तो हाउसफुल 4 और कुली नंबर 1 कौन लिखवाता है भाई साहब? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग है? वैसे इसे ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड बोला गया है, लेकिन बउआ भाई ऐसा कोई केस मेरी जानकारी में तो है नहीं जैसा इस फिल्म में दिखाया गया है। अच्छा, सुबह सुबह तेरे को तेरे पैजामे की जानकारी तो रहती नहीं, और केस की जानकारी रखेगा, क्या बोलता है तू? चलो आगे बढ़ो। वैसे फिल्म में कुछ नेगेटिव पॉइंट है क्या? हल्कापन मतलब? अरे हल्कापन है या नेगेटिव है या हर चीज में आपको यही ढूंढना रहता है। अरे पूछ रहा हूँ भाई। अरे पूछिए मत भाई साहब, खुद से देखिए, अंदाजा लगाइए कैसी है, हमको खुद बताइएगा। देख चुके हैं तो कमेंट करके बताइएगा। कुल मिलाकर ये फिल्म Z5 पर अब तक की सबसे अच्छी फिल्मों में से एक है, सब बोला जा रहा है, इसे आप मिस मत करिएगा। खैर, मिस तो आप हमारा पिछला रिव्यू भी नहीं कर सकते। देखा नहीं देखा अभी तक? कुली नंबर 1 का रिव्यू हमने डाला। जी हाँ भाई साहब, वैसे हमारा नया नवेला चैनल है भाई साहब,
कुछ भी देखिएगा सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा हैं, और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी जरूर लाइक करिएगा। विल कीप कमिंग एंड विल कीप टॉकिंग अबाउट सम रिव्यूज इन ऑल। क्या बात है बउआ भाई, इंग्लिश विंग्लिश? हाँ इंग्लिश क्या भाई साहब, बोलने को तो हम फ्रेंच भी बोल लें। बोल के बताओ फ्रेंच। अरे सॉरी वही मैंने सोचा तूने अब तक बोला क्यों नहीं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, जल्दी मिलते हैं, साइनिंग आउट, जय हिंद, बाय बाय।